खबर उत्तराखंड के मंगलौर से है, जहां पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने मंगलौर पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाया है। वहीं भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर प्रदर्शन किया, साथ ही सीओ को ज्ञापन देकर नारसन चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने की मांग की है। दरअसल विगत दिनों भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने नारसन चौकी इंचार्ज पर पीड़ित का शोषण किए जाने का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं के साथ नारसन चौकी इंचार्ज से बात करने पहुंचे थे। वहीं किसी बात को लेकर भीम आर्मी के अध्यक्ष से कहा सुनी हो गई, जिसके बाद आज सैकड़ों की संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता मंगलौर में दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर जमा हो गए और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने की मांग करने लगे। वहीं सीओ बहादुर सिंह चौहान ने प्रकरण की जांच कर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। तो उस आधार पे जब गए तो वहाँ चौकी पे काम वगैरह चल रहा है, जहाँ तक चौकी इंचार्ज का कहना है काम चल रहा था, तो वहाँ चेयर वगैरह नहीं थी, तो इस बात को लेके वहाँ उस नगला गोयल के प्रकरण और इस बात को लेके जब भी हमारे समाज के लोग थाने में या चौकियों में अपनी फरियाद लेकर जाते हैं तो सुनवाई नहीं होती है, कुर्सी ना देकर उन्हें पेड़ के नीचे बिठा दिया जाता है। तो इसी प्रकरण को लेकर हम आए हैं कि यहाँ सीओ साहब को हमने तहरीर दी है कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जाए और तत्काल प्रभाव से उन्हें सस्पेंड किया जाए।